दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। छावनी परिषद सुबाथू में बिना नोटिस जारी किए दो परिवारों का पेयजल कनेक्शन काट मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने के मामले ने जब तूल पकड़ना शुरू किया तो परिषद के कर्मचारी हरकत में आने लगे। मंगलवार को ही छावनी परिषद ने दोनों परिवारों का पेयजल कनेक्शन दोबारा से जोड़ दिया है। छावनी उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को छावनी परिषद के कर्मचारियों ने अशोक कुमार का पेयजल कनेक्शन जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सुबाथू वासियों ने उन्हें जनहित कार्य के लिए चुना है, ऐसे में प्रत्येक सुबाथू वासियों की समस्या का समाधान करवाना उनका कर्तव्य है। पेयजल समस्या झेल रहे अशोक कुमार ने बताया कि छावनी परिषद की कनिष्ठ अभियंता आंचल ने उनकी समस्या पर अधिकारियों से बातचीत की और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उन्हें राहत दिलवाई है। उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने भी छावनी परिषद की कनिष्ठ अभियंता की प्रशंसा की है। अशोक कुमार ने दोबारा पेयजल कनेक्शन मिलने पर छावनी परिषद सुबाथू व छावनी उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता का आभार व्यक्त किया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।